Good evening to all our subscribers, viewers from India, from Middle East, and all our drivers who are currently in Europe. Today I thought of making this video in Europe as I was here on a trip to meet few of our drivers who've just come in. और इस ट्रिप का ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं आके उन ड्राइवर्स को मिलूँ जो अभी रिसेंटली आए हैं, उनका फीडबैक लूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करें. और इस वीडियो के थ्रू देर आर फ्यू अपडेट्स जो आई वॉन्टेड टू गिव टू ऑल आर ड्राइवर्स. मुझे रिसेंटली अभी पता चला है कि लिथुएनिया में ड्राइवर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है एंड वी आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन. इनफैक्ट हमने इसके लिए सोल्यूशन निकाल भी लिया है. तो ऐसे कोई भी ड्राइवर्स जो अभी स्टक हैं लिथुएनिया के अंदर, या किसी का लाइसेंसेस का नहीं हो रहा, या वो बेटर जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस और हमारी टीम को, जिसका नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा, और वी कैन सर्टनली हेल्प देम इन द प्रोसीजर टू मूव देम. ऑल्सो एनी ड्राइवर्स हु करंटली वर्किंग इन यूरोप, चाहे वो जिस मर्जी एजेंसी के थ्रू आए थे, और अगर उनके पास लाइसेंसेस बन गए हैं, तो ऐसे बहुत ड्राइवर्स हैं जो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी जॉब मिले, डे जॉब, जिसमें वो सुबह जाके शाम को वापस आ सकें. तो द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी फाउंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो इन अ वेरी गुड कंट्री इन यूरोप. सो इफ देर आर एनी सच ड्राइवर्स जिनके पास ऑलरेडी अपने लाइसेंसेज बन चुके हैं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस इफ दे आर लुकिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी लाइक अ डे जॉब, जैसे आप लोगों को मिडल ईस्ट में मिलता है, वेर इन यू कैन गो इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग. प्लस हम और भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और कंट्रीज़ में हमारे ड्राइवर्स को प्लेस कर सकें. तो हमने कुछ ऐसी नई कंट्रीज़ में ड्राइवर्स को प्लेस करना स्टार्ट किया है. उनका फीडबैक भी हम वहाँ से रेगुलरली ले रहे हैं. हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी ड्राइवर जिस कंपनी में आए, वो कंपनी के अंदर आपका जो सेटलमेंट है वो अच्छी हो सके. दैट इज़ वन ऑफ आर मेन ऑब्जेक्टिव्स. दैट इज़ वॉट मेक्स अस डिफरेंट देन एनीबडी एल्स एंड वी टोटली आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट. एंड वी हैव मेट ड्राइवर्स हुव कम इनटू न्यू कंट्रीज, न्यू कंपनीज, एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग अ गुड फीडबैक जिन कंपनीज में हमने इन ड्राइवर्स को प्लेस किया था. प्लस अब और भी हम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बस ड्राइवर्स हैं हमें बहुत रेगुलरली लिखते हैं. सो आई हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग ऑन इट. कुछ शॉर्ट टाइम लगेगा, बट हम बस ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छा ही एक ऑप्शन वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज वगैरह का भी प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज मोस्टली अगर एज अ बस ड्राइवर काम करना है तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए. बट वी आर वर्किंग आउट समथिंग जिसमें जस्ट बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड योर नोइंग अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, वी आर एबल टू प्लेस यू. अदर देन दैट, वी आर ट्राइंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर पीपल हु कीप राइटिंग टू अस एंड इवन जनरल वर्कर्स. सो वेरी सून यू विल हैव दैट ऑल्सो. इससे पहले मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि आज भी लोग नोवा लाइफ का नाम बहुत यूज़ करते हैं. हमें बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, लोग उनको बोलते हैं कि वो नोवा लाइफ के थ्रू हैं. तो मैं फिर इस वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ, अगेन आई एम रिमाइंडिंग एवरीबडी, जो नंबर्स आपको नीचे इस वीडियो में मिलेंगे, अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट दोज नंबर्स एंड ओनली डील विद द जेन्युइन पीपल. आई डोंट वॉन्ट एनीबडी फॉलिंग इन टू एनी सॉर्ट ऑफ अ फ्रॉड एंड देन कमिंग बैक एंड सेइंग कि हम नोवा लाइफ के नाम पे वी डिसाइडेड टू एनरोल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेरीफाई योर फैक्ट्स फुली बिफोर यू एनरोल विद अस. अदर देन दैट, वी आर वेरी हैप्पी जो भी ये नई अपॉर्चुनिटीज़ हम ड्राइवर्स के लिए लेके आ रहे हैं. और प्लस हमने मैकेनिक्स के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट किया है. हमारा फर्स्ट फ्यू बैचेस ऑफ मैकेनिक्स आर गोइंग टू यूके. यूके की जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी स्ट्रिंजेंट होती हैं. एनी मैकेनिक हु हैज़ मर्सिडीज़ बेंज एक्सपीरियंस, जिनके पास मर्सिडीज़ बेंज की सर्टिफिकेशन है, वो आज भी हमारे साथ यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एनीबडी हु डज नॉट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेशन फॉर मर्सिडीज़ कैन स्टिल अप्लाई टू अस बिकॉज वी हैव फाउंड सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम इन यूरोप एंड वी विल सर्टनली देन बी प्रोसेसिंग योर पेपर वर्क फॉर यूरोप. अदर देन दैट, जो आपको मैंने लिथुएनिया का प्रॉब्लम बताया है, बट स्टिल इफ देर आर ड्राइवर्स हु स्टिल वॉन्ट टू कम टू लिथुएनिया, लिथुएनिया का प्रोसेस अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है. इन द सेंस कि डिफिकल्ट मतलब टाइम लाइन बढ़ गई है, बिकॉज नाउ यू डू नॉट गेट अ डी वीज़ा, यू गेट अ TRC, और TRC के प्रोसेस में कई बार 4-5 महीने लग जाते हैं. सो ऑल ड्राइवर्स हु आर करंटली एनरोल्ड विद अस, यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट बिकॉज प्रोसेसिंग जो टाइम लाइन है अब थोड़ा सा बढ़ गई है पहले से. और खासकर जितने भी ड्राइवर्स अभी यूरोप में हैं, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर कंपनी से आती है रिगार्डिंग सैलरी, या दे आर नॉट गेटिंग अ लाइसेंस, और इफ़ दे गॉट अ लाइसेंस दे आर स्टिल नॉट हैप्पी विद द कंपनी, यू कैन सर्टनली कॉन्टैक्ट आर टीम एंड वी विल हेल्प यू विद दैट. अदर देन दैट, दिस इज़ द ओनली अपडेट फॉर नाउ. और बाकी अब यूरोप का व्यू देख सकते हो बिकॉज ऑलमोस्ट समर्स खत्म हो रही है, विंटर स्टार्ट हो रही हैं.
so you can have a look. Very beautiful as always. So a very good place to come and work. And any drivers still interested wanting to come to Europe, you can always contact us. Thank you.